दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 13,000। इस वाले स्मार्टफोन के साथ आप लोगों को 12 5G बैंड की सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस वाले स्मार्टफोन के साथ आप लोगों को बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, हायर रिफ्रेश रेट के साथ बहुत अच्छी कैमरा देखने को मिलेगा, बहुत तगड़ा प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा और साथ ही में एक मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलेगा फर्स्ट चार्जर के साथ। दोस्तों ये कौन सी स्मार्टफोन है इसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे, इसके नाम और प्राइस, तब तक जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से। डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें आप लोगों को बैक में प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा मैट फिनिश के साथ और साथ में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 6.8 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 3870p की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन लोगों को काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। इसमें आप लोगों को बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 MP की देखने को मिलेगा और साथ ही में 8 MP की एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा और 2 MP की एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को 13 MP की एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के बैक एंड फ्रंट कैमरा से आप प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक पिक क्लिक कर पाओगे। अगर इस स्मार्टफोन की रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के बेस बिल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा 4GB की रैम और साथ ही में 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और अगर डेडिकेटेड SD कार्ड एक्सपेंड करने के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को 512GB तक डेडिकेटेड SD कार्ड एक्सपेंड करने की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अगर रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को LPDDR4X रैम और साथ में UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 480 प्लस प्रोसेसर। प्रोसेसर के नाम सुन के इसको आप कम मत समझो। इस वाले प्रोसेसर को आप कंपेयर कर सकते हो Snapdragon 720G से। तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा आप लोगों को इस वाले प्रोसेसर के साथ। और ये वाला प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसमें आप लोगों को 12 5G बैंड की सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब इंडिया में 5G आ जाएगा तो इसमें आप लोगों को 5G के सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। अगर इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 5000mAh की ली पॉलीमर की बैटरी विद 20W फास्ट चार्जर। तो अभी बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा FM रेडियो, स्टेरियो स्पीकर और साथ में 3.5mm की जैक भी देखने को मिलेगा। अगर इस स्मार्टफोन के सेंसर्स के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी देखने को मिलेगा और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर बाकी सेंसर्स के बारे में बात करें तो सारे ही सेंसर आप लोगों को इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं जिस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ इस स्मार्टफोन का नाम है मोटो Z51 5G। ये जो स्मार्टफोन है आप लोगों को फ्लिपकार्ट में 13,000 में मिल जाएगा, लेकिन अभी के समय कुछ कार्ड डिस्काउंट चल रही है, अगर आप उन सारे डिस्काउंट को ऐड कर लेते हो तो ये जो स्मार्टफोन है आप लोगों को 11,500 में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका बजट है 13,000 और आपको चाहिए एक बहुत ही तगड़ी स्मार्टफोन और साथ में 5G की सपोर्ट भी चाहिए तो आप इस वाले स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।